मेरी जान एनएस वाले ने क्या कट मारा है शू करके सही चला रहा लौंडा भी। ओ बेटा गोली पकड़ लेता हूँ तेरे को मैं, रुक जा भी मैं पकड़ लूंगा तेरे को मैं, कहाँ जाएगा बच के पीछे पीछे हो गया लौंडा। सर्विस के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही है अपनी बाइक, जो बात है भाई, मतलब सर्विस कराई, ऑयल फिल्टर नया, फ्यूल फिल्टर नया, तो काफ़ी परफॉर्मेंस बढ़िया हो गई इसकी। और प्लस जो है भाई इसका जो है पेट्रोल, वो भी मैं इसमें अभी तक कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, स्पीड देख सकते हैं आप, मतलब स्पीड डालने से जो है काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो भाई करोल बाग में क्या है ना, ट्रैफिक ज़्यादा ही होता है शाम के टाइम, क्योंकि देखो मार्केट वाला एरिया ये है, फुल थ्रॉटल, जो बात है भाई फुल थ्रॉटल पे जो है ना भाई, अच्छी खासी बाइकें खड़ी हैं, जो बात है। पता नहीं ऊपर वाला कब नवाजेगा हमारे को अच्छी बाइक से, मतलब ये भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं, ये भी कई लोगों का ड्रीम होती है जो हमारे पास अभी फ़िलहाल है NS 200। बट फिर भी यार देखो, मन तो मन है भाई, दिल तो बच्चा है। वहाँ से आता ना मैं तो ट्रैफिक बहुत मिलता है, इसलिए मैं यहाँ से आ गया, मैंने कहा यहाँ चलो भाई, अब रास्ते पता है, इस वजह से हमने इसका फ़ायदा उठाया, अदरवाइज़ कहीं नहीं मिलने वाला फ़ायदा भाई, फंसे रह जाओगे। जिसको पता होता है ना वही दांव पेच मार लेता है, अदरवाइज़ तो भाई फंस जाओ ट्रैफिक में नहीं। और ये बड़ा हेलमेट पहन लो ना जब, ये वाला एग्जॉर वगैरह का, फिर अंदर बाला गलावा ये वो, तो भाई सांस भी नहीं आती। अब देखो यहाँ पे हमें ट्रिक लगानी होगी फुल शॉर्टकट वाली, तभी जल्दी निकल पाएंगे, वरना तो जैसे लोग खड़े हुए ना इधर उधर, हम भी खड़े के खड़े रह जाएंगे, इसलिए हम थोड़े तरीके से निकलेंगे। देखो निकल गए वो लोग खड़े हैं देखो और अगर मैं वहाँ से आता दोस्तों तब तक खड़ा होता वहीं पे, इसलिए मैं अंदर घूम के आया हूँ, जिसके वजह से मैं निकल गया आराम से। ओए होए क्या लीन हो रही बाइक, 50-55 पे लीन, ओए होए देख रहे हो, ये किस लिए कमाल है, ये टायर का कमाल है, स्किल्स का कमाल है। चलो भाई चलो चलो चलो, काफ़ी सारे भाई लोग हैं जो कमेंट करते थे भैया कार की वीडियो लाओ कार की वीडियो लाओ, तो भाई देखो कार की वीडियोज़ भी अब आने लगेंगी धीरे धीरे, जैसे कि आपने कल देखी थी वीडियो, तो ऐसी कार वाली वीडियोस भी अब आने लगेंगे आप लोगों के लिए। उससे क्या होगा, कभी आप प्लान करते हो या आपने ली है या फिर आप लेने वाले हो, तो आपको एक आइडियाज़ मिल जाएंगे, हाँ भाई कहाँ पे काम अच्छा होता है। क्योंकि देखो मैं वही चीज़ रिकमेंड करता हूँ जहाँ पे काम अच्छा हो रहा हो, रीजनेबल प्राइस पे, और काम OEM फिनिश में हो, है ना। तो इसलिए कल जो मैंने वीडियो डाली थी कार वाली क्रेटा की और उसकी क्या नाम है सोनेट की, अगर नहीं देखी है तो देख लेना भाई साहब, मतलब काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ दिखाई है उसमें, आप देख के समझ जाओगे कि भाई काम कैसा कैसा होता है। और सीट कवर तो भाई उसके अल्टीमेट थे भाई, अल्टीमेट। ये स्कूटी वाला भाई दिख रहा है, पता नहीं क्यों दिख रहा है शर्म आ गया अब दिख रहा है, देख दे, नहीं नहीं अब नहीं देखेगा, देख रहा है <आसे। laughs> क्या बात है जी, क्या बात है, जहर भाई जहर कुछ भी है भाई, अपनी पुष्पा चलती जबरदस्त है माशाल्लाह से, जो बात है, मतलब अपने पास जो भी बाइक से ना भाई, सही बताऊँ ना, इंजन भाई इतनी अच्छी चलती है ना, मैकेनिकली मैंने इतनी सेट कर रखी है बाइकों को, एकदम सेट चलती है। देखो ये वाली बाइक है, ये भी एकदम सेट चलती है, बैलेंसिंग एकदम ओके, हाथ नहीं छोड़ना वैसे आप भी, मैं भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ बस कि भाई इसकी बैलेंसिंग काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों जितने भी दिल्ली से बाहर के लोग देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हमारा जो इंडिया गेट था पहले बंद हो गया था, मतलब रेनोवेशन चल रही थी उसके अंदर, देख सकते हैं सामने लाइट, वो उधर इंडिया गेट है वहाँ पे, जो बात है ठीक है जी। और इधर जो है राजपथ है भाई, और यहाँ से लोग देखो बाय वॉक जा रहे हैं इंडिया गेट, काफ़ी बढ़िया हो गया, मतलब फुल ग्रास व्रास, उधर जो पानी है वो चालू हो गया, उसके अंदर फाउंटेन है, लाइट लगा दी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बाकी इधर राजपथ है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवियों की शूटिंग वूटिंग देखने मिलेगी आपको, मस्त भाई साहब एक नंबर लग रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ तक बंदा आए फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ पैदल आए, काफ़ी बढ़िया लगता देखने में, जो बात है। ये देखो पानी में फाउंटेन है, से फुहारा फुर कर रहा है, लाइट है वाइट है, देख रहे हो। और ये सेम इंडिया गेट तक का कॉन्सेप्ट है, सेम एकदम बढ़िया। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए भाई इंजॉय करें, आओ घूमो फिरो, हम तो कई सालों से आए नहीं यहाँ पे, उससे काम चल रहा था, बाकी अब जो है भाई खुल गया है तो देखो आएंगे, अभी तो शाम का टाइम है भाई, ऑफिस आज चल रहे हैं तो इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है,
लोगों ने पटरी पे चढ़ा रखी गाड़ी, ये लो जी हमने भी चढ़ा ही दी और उतार भी दी। चलो ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों इंडिया गेट हमारा चालू हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं भाई, भर भर के भीड़ है, भर भर के। ओ भाई साहब, तो शाम के समय भाई यहाँ पे आ सकते हो भाई, चिल करने मज़ा आएगा, जो बात है फैमिली वैमिली साथ आओ। मैं भी सोच रहा हूँ यार, इतनी भीड़ भीड़ देख रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी आऊँ यार, ज़रा फोटोज़ वोटोज़ क्लिक करें। पहले तो कार की पार्किंग देखनी पड़ेगी, कार की पार्किंग आखिर है कहाँ पे, ये तो मुझे भी नहीं पता। इन्होंने कहीं ना कहीं इधर सेटअप बना रखा होगा कहीं ना कहीं आसपास। आज इतना जाम है ना भाई, इस कदर जाम है बता नहीं सकता आपको, लेकिन लग बहुत ज़्यादा प्यारा रहा है, जो बात है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में। चलो टाइम पर लगा लेकिन अच्छा बना दिया, जो बात है इंडिया गेट पता कि रोड और सुधर जाए तो है मज़ेदार। बहुत देर मशक्क़त के बाद जो है ट्रैफिक थोड़ा सा खुला, ओए होए अब रेडी राहत सी लग रही है, हवा लग रही है अब, मैं पसीना पसीना हो रहा था मामला। तो भाई शाम के टाइम आते हो आप 6:30-6:70 के आसपास तो आपको भर भर के ट्रैफिक देखने को मिलेगा, जो बात है। बाकी टाइम खुला मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौपड़े से तेरे तनूर दस दानी है, मजा आएगा भगाने में, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, एकदम जहर। कसम से जब मैं ऐसे बैठता था ना, मेरा मन करता राइड पे चल भाई, लंबे लंबे रास्ते होंगे, भगाए चल भगाए चल भगाए चल। लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ पे सिटी में रह के भगाते हो तो आपका मन करता है कि और भगाओ, रोड छोटे पड़ जाते हैं, ट्रैफिक आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हो ना तो वहाँ पे आप भगाते थक जाते हो। ये होता है, वहाँ होता फटाफट से मंजिल आ जाए भाई मेरी। ओ मेरी जान, एनएस वाले ने क्या कट मारा है शू करके। सही चला रहा लौंडा वो भी। ओ बेटे गोली पकड़ लेता हूँ तेरे को मैं, रुक जा भी, पकड़ लूंगा तेरे को मैं, कहाँ जाएगा बच के, पीछे पीछे हो गया लौंडा। अब वो लाएगा तेज क्योंकि मैंने उसको कर दिया पंप, भरम में आ गया लौंडा, वो आ गया, मैं कह रहा था ना आ गया लौंडा भरम में। लेकिन मुझसे बहुत पतला है यार ये, वो बेटे निकल गए आगे, क्या बात है दोस्तों, सही चला रहा है गाड़ी, वो गाड़ी अच्छी चला रहा है। लेकिन मैं बताऊँ ऐसे भगाने में ना, ऐसे भगाने में माइलेज की भी लंका लगती है भाई, जो बात है। बस तो मैं ये वाले फ्लेवर का रेस नहीं लगाऊंगा, पता क्यों, क्योंकि यार ट्रैफिक भी होगा और प्लस ये है कि भाई अपने पेट्रोल की भी लंका लग रही है ना भाई। लेकिन जो भी मजा आया रेस करने में, चलो बस ये रेस और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छी लगी वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, आई लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। दोस्तों सही बताऊँ ना, मैंने रेस और ये वीडियो एंड कर दी थी, बट ये बंदा फिर दोबारा निकला और मेरे को झपकी देकर निकला है वो जानबूझ के। वो देखो 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 देखो, फुल पंप हो रखा है, तो मैंने ये दिखाने के लिए तो ऑन करा है कैमरा इस टाइम में दोबारा, कि बंदा कितना ज़्यादा ऑफेंड हो चुका है। मैं ये बात करता वार था करोल बाग से कि ऑफेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन वही वाली बात है। चलो कोई नहीं यार, बंदा वो खुश रहे, हम तो अपने आप में मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बोलूँगा भाई, देखो आपके स्किल्स हैं तो ही भगाना, वरना तो भगाओ मत, ज़रूरत नहीं है यार, भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 100% में से 90% रिस्क पे चलाते हो गाड़ी, फिर रिस्क होता है, किस्मत होती है ना, बस वाली बात है। तो इसलिए ज़्यादा तेज मत चलाओ, फिलहाल वो बंदा फुल रॉकेट बन गया है, वो किसी में भी वो ऐसा उड़ता हुआ तीर है कि वो कहीं
कहीं भी लग सकता है, इसलिए उससे बच के रहना। बाकी मैं तो भाई अपने नियतों में स्पीड पे चल रहा हूँ 55-50, ठीक है। मेरा दो पॉइंट गिरा दिए इस बंदे ने रेस के चक्कर में, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, हाइपर राइडिंग करोगे तो आपका माइलेज पर बहुत तगड़ा असर पड़ने वाला है, तो इसलिए हाइपर राइडिंग मत करा करो। मैं जब कारोल बाग गया था ना, मैंने कैमरा इसी वजह से लगाया था, मैंने कहा रहने दे यार, काम अगर कोई दिख जाएगा भगानी पड़ेगी ये वो, मतलब होता है ना कि रेस में लगाओ ये वो, मैंने कहा रहने दे। फिर आधे टाइम मैंने लगा लिया, रात का नाइट फुटेज मिल जाएगी, मज़ा आएगा, और मज़े चक्कर में देख लो मज़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, मुआ।